बेसिकली सरफेस पे किस टाइप के जो है फेनोमेना होने वाले हैं, ठीक है, यानी कि सरफेस पे जो है किस प्रकार से जो है आपके जो है फेनोमेना हो रहे हैं, इन्हीं सब चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री में आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते। मैं बता दूंगा, 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफरेंस लिखने के लिए आते हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सरफेस केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक का नाम होता है, यानी कि हमें जो सरफेस केमिस्ट्री में जहां से पोर्शन बनते हैं, 3 पोर्शन होते हैं। एक में हमें पढ़ना है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, बड़े कंफ्यूजिंग टर्म होंगे, लेकिन मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपको जो है आसानी से याद हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देते हैं। ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा काला दिखेंगे क्या है, क्योंकि आज हम आपको सिखाएंगे कैसे गोरा होते हैं, इसलिए हम काला कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो है ये सारी चीजें जो है बात करना, 3 पार्ट में पढ़ना है। एक में हम लोग क्या करेंगे कि आपको एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन सिखाएंगे, दूसरे में कैटलिस्ट एंड तीसरे में हम लोग जो है कोलाइडल की बात करेंगे। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोलाइडल है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एंड कैटलिस्ट। वैसे तो वो भी है, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा हो जाते हैं, यही से हमारा क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। तो शुरू करते हैं, एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है। अब कई बच्चे तो कह रहे हैं दोनों अलग अलग वर्ड बोल रहे हो या सेम बोल रहे हो, तो अभी आपको समझाते हैं दोनों कैसे अलग अलग जो वर्ड है और कैसे जो है ये है। ठीक है, ये है एडजॉर्प्शन। अब शायद एक होता है डी, एक होता है बी, अभी हम समझा देंगे कि क्या होता है एडजॉर्प्शन और क्या होता है जो है एब्जॉर्प्शन। फिलहाल हम लोग बात करने जा रहे हैं एडजॉर्प्शन की। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना होता है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो स्टिक कर जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सब्सटेंस, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स किसी के सरफेस पे अगर जो चिपक जाएगा तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्प्शन कह देते हैं। मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं, द फिनोमिना अट्रैक्टिंग, ठीक है, एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सीधे सीधे ऐसा डाके मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ सब्सटेंस, इट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। जैसे मैं आपको पहले एक सिंपल तरीका नहीं, मैं एक जो है केमिकल मतलब केमिस्ट्री की भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो ये सरफेस है और इसके ऊपर जो है हमने क्या करा कि छोटे छोटे जो है कोई चीज चिपका दिया। कहोगे सर रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं, बताएंगे, चिंता मत कीजिए। पहले हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कि आपका जो है दिमाग खर्च हो। आपको ये नहीं कहना सर हमारे पास दिमाग नहीं है, सीधे सीधे बता दो। इसको हम लोग कहते हैं एड जॉर पेट, और ये जो व्हाइट वाला है, समझ जाओगे ना व्हाइट वाला, बीच में इसको कहते हैं, सारे कहोगे सर कंफ्यूजिंग वर्ड इसी चैप्टर में, एड जॉर बैंड। ठीक है, आपको ये समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। और इन दोनों को मिला के जो फिनोमिना होता है
उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्प्शन कह देते हैं। एडजॉर्बेट क्या होता है, यानी कि जो पार्टिकल्स किसी सरफेस पे चिपकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट कहते हैं, यानी कि ए वाला। और जिस सरफेस पे चिपकता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्बेंट कह देते हैं। अब आप सबके सामने एक सुंदर लाल को लाते हैं, आप सभी जानते हैं सुंदर लाल को, सर। इसको थोड़ा काला बनाते हैं ताकि किसको बाद में गोरा पाउडर लगा सके ना, हम लोग जो है थोड़ा सा ग्रीन कलर से हरियाली लगा देते हैं इसमें, उतना अच्छा बनेगा नहीं, आप लोग जो है हंसिएगा नहीं, हम काम चलाने के लिए बस आदमी जैसा दिखेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये कोई सुंदर लाल है, हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा जो है एडजॉर्प्शन का यूज करते हैं, आप सभी को पता होगा, तो उसी में से एक एग्जाम्पल मैंने जो है सुंदर लाल को पकड़ा। अब इसको हमें क्या करना है, नाटक का सुंदरी बनाना है, नाटक में देखते हो ना सुंदरी बनाते हैं, तो वही हम लोग जो है सुंदरी बना रहे हैं। मान लीजिए टांग जो है ज्यादा बड़ा हो गया, ये कई बच्चे हंस रहे हैं कि सर कैसा बना रहे हो सुंदर लाल, सुंदर लाल तो लग ही नहीं रहा है। मान लीजिए हमारा जो है ये सुंदर लाल है, सुंदर लाल जो है आप लोगों को वेलकम कर रहा है कि आइए मेरी कंपनी में, हम आपको जो है गोरा बना देते हैं, वेलकम ऐसे किया जाता है, इधर से वेलकम ऐसे किया जाता है। मान लीजिए ये कोई हमारा सुंदर लाल है, ठीक है, और ये इसकी उंगलियां हैं और इधर से भी ये उंगलियां हैं, ठीक है। मान लीजिए अब यहाँ पे इसके बाल तो बना देते हैं, हीरो बना देते हैं थोड़ा सा, यानी कि जो है स्टाइलिश बाल है तेरे नाम वाला, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे एडजॉर्बेंट यानी कि जो है एडजॉर्प्शन फिनोमेना दिखाना है, इसका जो फेस है, और यहाँ पे हम लोग जो है पाउडर लगाते हैं, पाउडर लगा दो, क्रीम लगा दो, और जो भी आप लोग जो है यूज करते हैं उसको लगा सकते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्या करा कि इसके फेस पे हमने पाउडर को लगाया, एडजॉर्प्शन में सरफेस पे जाता है, ध्यान रखिएगा एडजॉर्प्शन जो फिनोमिना होता है वो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को करते हैं, यानी कि पाउडर और क्रीम लगाने से हम लोग खुद के ऊपर वाले पार्ट को क्या कर देते हैं, यानी कि अच्छा कर देते हैं। तो मुझे बताइए ये जो सरफेस है, मुंह है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेंट एडजॉर्बेंट कह देंगे, एब्जॉर्बेंट क्या कह देंगे, सरफेस को हम लोग क्या कह देते हैं, जहां पे हम लोग जो है पोतेंगे क्रीम उसको हम लोग क्या कह देंगे, एडजॉर्बेंट कह देंगे। कौन सा क्रीम पोत रहे हैं, हम पाउडर पोत रहे हैं, तो पाउडर को हम लोग क्या कह देंगे, एब्जॉर्बेंट एड। अब एब्जॉर्बेंट इसको थोड़ा सा पाउडर लगाए हैं तो थोड़ा सलमान खान बना देते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा अब चमकने लगा ये। ऐसे क्रीम लगाने से या पाउडर लगाने से हम गोरे तो नहीं होते, थोड़े देर के लिए अच्छे दिखने लग जाते हैं, इसीलिए हम लोग जो है इतना ज्यादा जो है यूज करते हैं। डरना मत कि सर ये आपने क्या बना दिया, भालू बिल्ली क्या बना दिया पता नहीं, खैर आप लोग समझ जाने के लिए मैंने इतना इस तरह से किया, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, कहोगे से पहले अच्छा था तो आप लोग बाकी जो है अपने कॉपी में बनाइएगा, ओके। अब यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एडजॉर्प्शन जो फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है, यानी कि हमने क्रीम लगाया अपने आप को गोरा करने के लिए, लेकिन वैसे मैं बताऊं दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो आपको गोरा करे, हाँ थोड़े देर के लिए आपको अच्छा दिखने में मदद जरूर कर सकती है। अगर जब फेयर एंड लवली लगाने से लोग गोरा हो जाते हैं तो साउथ अफ्रीका के लोग आज तक काले नहीं रहते, ठीक है, या हमारे इंडिया में भी लोग जो है जिनका सांवला है वो भी क्या हो जाते हैं, गोरे हो जाते हैं। तो फेयर एंड लवली क्या करता है, इंस्टेंट आपको अच्छा दिखने में मदद करता है, या जो भी क्रीम है, मैं फेयर एंड लवली का बार बार नाम नहीं लूंगा क्योंकि नहीं तो आप लोग कहोगे कि सिर्फ लड़की लोग के लिए बोल रहे हैं, लड़के लोग के लिए भी, लड़के लोग फेयर एंड हैंडसम लगाते हैं तो उनके लिए भी, यानी
यहाँ पे क्या हो जाता है कि वो जो होते क्या होते हैं, यानी कि जो है गोरा नहीं बनाते, बस वो क्या करते हैं आपको थोड़ा देर के लिए जो है यानी कि आपके ऊपर जो है एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं यानी कि जो अच्छा दिखते हैं। आजकल तो कितने सारे के पता नहीं क्रीम आ गए हैं, कहने की बात नहीं। अगर कभी किसी सैलून में जाओगे पता नहीं पूरे इतने सारे जो है डब्बे भर के रखे हैं। ओके, अब बेसिकली हमें यहाँ से तीन बातें सीखनी है, हमें एडजॉर्प्शन सीखना है, एडजॉर्बेट सीखना है एंड एडजॉर्बेंट सीखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एडजॉर्बेट, अब कहोगे सर ये तो हम भूल जाएंगे एडजॉर्बेट ए और ई का अंतर है, तो मैं आपको याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। देखिए ए जो है ना कैसा दिख रहा है, छोटा छोटा गोला गोला दिख रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होगा वो जाके चिपक जाएगा। तो जब चिपक जाएगा तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, जो चिपकता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्बेट कह देते हैं। जिस पे चिपकता है उसको हम लोग एडजॉर्बेंट कह देते हैं। एक और एग्जांपल से आप लोग समझिए, मान लीजिए मेरे पास ये दीवाल है, दीवाल समझते हो? यस सर। जो जिसपे आप पेंट करते हो, अब यहाँ पे मुझे बताइए पेंट है, वॉल है, इसको मैं वॉल कह देता हूं, और मेरे पास यहाँ पे पेंट मैं चिपका रहा हूं, मुझे बताइए कि कौन एडजॉर्बेंट है और कौन जो है एडजॉर्बेट है। वेरी गुड, वॉल जो है एडजॉर्बेंट है एंड ये जो है पेंट क्या है एडजॉर्बेट, क्योंकि छोटा वाला जो ए होगा वो क्या हो जाएगा दूसरे पे जाके चले जाएगा, वैसे भी छोटा है तो यानी कि कहाँ चले जाता है। देखो याद रखने का और कोई तरीका नहीं है क्योंकि इतना कॉमन है कि आप सबके सामने जो है काफी ज्यादा जो है भूल जाओगे। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप का जिसका नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जब आप सरफेस के अंदर चले जाते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल मुझे बताइए, मान लीजिए मैंने ना अपने स्किन पे मुझे चोट लग गया यानी कि दर्द हो गया, तो मैंने मूव लगाया, तो मूव बताओ क्या हुआ, एडजॉर्बेट या एडजॉर्बेंट, और हाथ एडजॉर्बेट यानी कि ए वाला हो गया, और हाथ क्या हो गया Adjoint. आप ये बातें तो समझ में आ गई होगी कि जो दूसरे के सरफेस पे चिपकेगा वो एडजॉर्बेट होगा, जिस पे चिपकेगा वो एडजॉर्बेंट हो जाएगा, कि डेफिनेशन है, चिंता मत कीजिए वहां पे हम लिखे हुए। ओके, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो किसी के अंदर चले जाए। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए मैंने स्पंज ले लिया, स्पंज जानते किसे कहते हैं? Yes, okay. Yes, हाँ। ये स्पंज है मान लीजिए, उबड़ खावड़ वाला है और इसको हमने कहाँ डाल दिया, पानी में डाल दिया। ठीक है, पानी का कलर कैसा होता है, अब जैसे ही हमने यहां पे डाला तो पानी जो है वो स्पंज में आ जाएगा, इस बार सरफेस पे नहीं है, कहां पे है, इसके अंदर चले गया। जैसे कहते हो ना कि किसी की बात को हम लोग क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि जो है क्या कर लेते हैं अपने अंदर ले लेते हैं। जो अंदर लेने का फिनोमिना है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे सरफेस पे नहीं रखते हैं हम, किसी किसी की बात को इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, किसी किसी की बात को यहाँ रखते हैं और यहाँ रख लेते हैं, किसी किसी की बात को दिल पे भी ले लेते हैं। कोई कह देता है, डांट देता है तो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। खैर एक बात बता देते हैं, आज एक बच्ची का जो है शिमला में MBBS सीट मिला है काउंसलिंग के दौरान, तो काफी अच्छी बात है कि उनको जो है कॉलेज मिल चुका है, IG इंदिरा गांधी जो मेडिकल कॉलेज है शिमला का, वो वाला कॉलेज मिल चुका है। सर दूसरी लड़की है? हाँ सर, एक मैम ने भी बताया था। हाँ, तो मैम ने भी वही तानवी नाथ के ही बताया होगा।
सर 598 मार्क्स पे। हाँ, तो उसी तरीके से आप लोग भी अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए ताकि कि आपका भी जो है सिलेक्शन हो सके। सिर्फ सिलेक्शन सिर्फ मेहनत मांगती है और कुछ भी नहीं मांग पाती। आप अगर जितना टाइम दे रहे हो उस पे तो वो आपको जरूर मिलेगी। आप इस चीज से बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन पढ़ना मत छोड़िए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ओके, अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की हम बात करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि सरफेस के अंदर जब कोई भी चीज चला जाता है उस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं दिखाने के लिए एक और एग्जाम्पल, वैसे तो रियल एग्जाम्पल भी समझाएंगे लेकिन पहले हम आपको कुछ ऐसे समझाते हैं। ये मान लो कि सरफेस था और इसके अंदर हमने क्या कर वाटर को डाल दिया। अगर ये वाटर सरफेस पे होता तो फिनोमिना का नाम क्या हो जाता, एडसॉर्प्शन। हाँ, अगर ये अंदर चले जाता तो कौन सा फिनोमिना हो जाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। डर्मोटोलॉजिस्ट स्किन की बीमारी को जो देखते हैं, डर्मोटोलॉजिस्ट कहते हैं, वो क्या करता है, देखिए डी आ रहा है तो यानी कि स्किन के ऊपर की बीमारी कर रहा है, यानी कि इसको क्या कह सकते हो वहां पे, यानी कि डी मतलब जहाँ आएगा तो क्या होगा, स्किन के ऊपर ऊपर वाला जो चीज करेगा यानी कि सरफेस वाली चीज पे चिपकेगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे, एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्प्शन कहोगे सर हमारी बॉडी में होता है, बिल्कुल होता है। कहोगे सर एग्जाम्पल बताओ, मान लो किसी ने खेलते खेलते जो चोट लग गया, जैसे मान लो कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते खेलते मेरे हाथ में चोट लग गया। अब हाथ में चोट लग गया, हड्डी टूटा नहीं है लेकिन दर्द करने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मूव का यूज करते हैं, मूव जानते हो ना। तो वो क्या एक्चुअल में वो तो दोनों पोर्शन शो करता है यानी कि सॉर्प्शन होता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कुछ पार्ट जो है वो क्या करता है, अंदर चले जाता है। तो जब वो अंदर चले गया तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देंगे, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना कह देंगे। ये जो ये फिनोमिना है ये क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना कहेगा। ये भी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे सर इन तीनों का आप डेफिनेशन बता दो, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट, ये चारों का जो है आप क्या कर दो, डेफिनेशन बता दो। हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन की हम बात करते हैं। तो आप लोगों को एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन तो समझ में आ गया होगा। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब सरफेस पे चिपकता है तो उसको एडजॉर्प्शन कह देते हैं, यानी कि जो हम लोग क्रीम लगाते हैं गोरा होने के लिए वो क्या हो जाता है, यानी कि एडजॉर्प्शन फिनोमेना, ठीक है ओके। अगर स्पंज में अगर जब पानी जो चले जाता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। एक और तरीके से देख सकते हो, एब्जॉर्प्शन में जब आप कपड़े धोते हो या पानी में ज्यादा देर जो है खेलते कूदते हो, देखिएगा आपकी उंगली पे ना रेसे पड़ जाते हैं, ऐसा कभी किसी ने फिनोमिना हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन डेड बॉडी को पानी में रख दोगे तो वो क्या हो जाता है, पानी एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, फूल जाता है। एक्चुअली में पानी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो गैस के कारण जो है फूल जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए, ठीक है। उस फिनोमिना को अंदर चले गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, वो गैस ही क्यों ना हो लेकिन वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। कहा जाता है जिंदा आदमी जो है वो क्या होता है, पानी में डूब जाता है, मुर्दा जो है पानी में तैरता है। बड़ा कुदरत का बड़ा करिश्मा है कि देखो जिंदा आदमी जो है वो क्या कर रहा है, डूब रहा है और मुर्दा जो है तैर रहा है। खैर ये संसार का ऐसा ही है, भगवान ने भी बनाया, बड़ा अच्छे से बनाया। चीजों को कभी नोटिस करना, देखना कितने सिस्टमेटिक मैनर से बनाया, आज तक हम लोग कमी नहीं निकाल पाए। इतनी साइंस आगे बढ़ गए, पता नहीं कौन कौन से साइंस आ गए हैं, लेकिन आज भी नेचर को अभी तक सही से नहीं समझ पाए 50% भी। सॉलिड सरफेस हैज एबिलिटी टू अट्रैक्ट द कनेक्टिंग स्पीसीज ड्यू टू द फ्री वैलेंसी और रेसिडुअल फोर्स ऑन दैट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये क्यों अट्रैक्ट करते हैं, हम अपने फेस में क्रीम लगा रहे हैं क्यों जो है चिपक जा रहे हैं, या फिर जो है दीवार में लगा रहे। तो वहां कहोगे सर चलो कंपनी वाले तो क्या करते हैं, एडहेसिव चीजें दे देते हैं, यानी कि गोंद या फेविकॉल या जो चिपकने वाले सब्सटेंस होते हैं वो डाल देते हैं, तो वो तो चलो पेंट चिपक गया। हमारे इस जो है क्रीम पाउडर में क्या दिया जाता है, उसमें भी हल्का हल्का दिया जाता है एडहेसिव चीज, जिससे कि आपका जो है अच्छे से चिपक जाए।
अब देखो मान लो सपोज करो मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। आप सभी ने देखा होगा कि जो जो हम लोग जैसे लिपस्टिक का यूज करते हैं, ठीक है, तो लिपस्टिक में देखिएगा पुराने जमाने में उतने अच्छे से चिपकता नहीं था, आजकल का देखिएगा पूरा अच्छे से चिपकता है, क्योंकि वहां पे एडहेसिव फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, जिस कारण से हो जाता है। और इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देंगे, एडजॉर्प्शन कह देंगे। कुछ भी आप लोग देख सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में, हमने जो देखा है उसी को आपको बता दिया, ठीक है, ओके। ड्यू टू द फ्री बैलेंसिंग, अब वो चिपकता क्यों है, क्योंकि वहां पे ना एक वीक फोर्स लगता है, एडजॉर्प्शन में कभी भी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगता है, यहाँ पे जब भी लगेगा वो कैसा लगेगा, वीक फोर्स लगेगा। वीक फोर्स में कौन कौन सा, वंडरवाल फोर्स, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन, लंडन फोर्स, ये सारे फोर्स जो होते हैं वीक फोर्स होते हैं, ये सारे फोर्स जो है क्या होते हैं, एक्ट करते हैं, जिस कारण से आप इसको जो है ना थोड़ी देर बाद आपकी इच्छा हो तो आसानी से जो है रिमूव कर सकते हो। आपको अगर जब मान लो कि आपको अपने फेस का पाउडर हटाना है तो आप लोग क्या कर लोगे, यानी कि हटा लोगे, और जब हटाने का प्रोसेस है इसी को कह देते हैं डी ऑप्शन कह देते हैं, यानी कि इस प्रोसेस को जब आप क्या करोगे, जो आपने सब्सटेंस अपने मुंह पे या दीवार पे चिपकाया है या जहां भी आप लोगों ने एडजॉर्प्शन प्रोसेस देखा है, उस प्रोसेस को हटाने के लिए जो यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डिश ऑप्शन कह देते हैं। कहोगे सर कोई एग्जांपल दिखा सकते हो जहां पे ऐसा होता है, मैं दो तीन एग्जांपल आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों ने कभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीदा है, जब यस उसमें देखिएगा छोटा छोटा ना कैरी बैग दिया रहता है, चार पांच इस तरह का होता है, पाउच टाइप का छोटा, चॉकलेट टाइप का, उसमें लिखा रहता है दाने दाने छोटे छोटे उसे होते हैं, इस टाइप का होता है देखिएगा, जिसमें सिलिका जेल लिखा होता है डू नॉट ईट। यस हाँ, सर वहां पे क्या होता है कि जब भी आप लोग क्या करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदते हैं तो वहां पे देखिएगा क्या दिया रहेगा कि आपको जो है क्या करते हैं, यानी कि छोटे छोटे सिलिका जेल के जो है पैकेट दिए रहते हैं। वो सिलिका जेल पैकेट क्या करता है, बेसिकली आपके जो एप्लीकेंट्स में वाटर के मॉइस्चर ना आ जाए, वो अगर जब आ भी गया तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। कहोगे उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एप्लीकेंट्स में वाटर जाने से आपका एप्लीकेंट्स जब लगाओगे सर्किट में तो वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। कहोगे सर और कहाँ यूज करते हैं, और आप लोग जो आजकल नए वाले वॉशिंग मशीन देख रहे हो उसके अंदर केमिकल डाला जाता है, वो केमिकल क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण से आपके कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। पहले तो सेंट्रीफ्यूगल पानी से जितना निकलता है निकाल देते हैं, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, यानी कि जो है केमिकल दिया जाता है, उस केमिकल से क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिस्टम हीटर लगा हुआ है, वैसा नहीं, वो क्या करते हैं वहां पे एब्जॉर्बर लगा रहता है, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा, आप सभी को देखे होंगे चारकोल एब्जॉर्ब, ये किसान वाले लोग देखे होंगे, क्लोरेंट फ्रॉम शुगर। अब जैसे मान लो कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो गुड़ बनाते हैं एक्चुअल में गुड़ का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है। आप सभी को पता होगा कि जो एक्चुअल में गुड़ का कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लैक ब्लैक होता है। ब्लैक लेकिन चिपका कैसे है, रेड, कलर हाँ ब्राउन कह दो ब्लैक या रेड कह दो जो भी है, यानी कि अब वहां पे हम लोग क्या करते हैं, चारकोल दिया जाता है या कलरेंट दिया जाता है, यानी कि कुछ कलर दिया जाता है जो क्या करता है, चारकोल यानी कि काले वाले पदार्थ को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं रंग। क्योंकि हमारे घर में होता था तो मुझे पता है कि कितने सारे रंग, कितने सारी चीजें दी जाती है, तब जाके जो है इसका गुड़ का जो कलर होता है लाल होता है, बहुत सारा जो कलर दिया जाता है, तभी जो होगा आपको ब्राउन कलर में दिखता है। तो वही कहता है कि इन सभी जगह पे हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन फिनोमिना का यूज किया जाता है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, एडजॉर्प्शन फिनोमिना जो होता है सरफेस फिनोमिना होता है, एंड ये रिवर्सिबल होता है, और रिवर्सिबल के साथ ये जो होता है यानी कि कैसा होता है, लो टेम्परेचर पे होता है, इसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, यानी कि आसानी से ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे जब एडजॉर्बेंट, मैं यहाँ पे छोटी सी बात बताता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स पूरा मजे में घूम रहा है, और जब ये इसके अंदर जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, यहाँ पे हाई एनर्जी था, ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे गया तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। इसके अंदर जाएगा तो बहुत सारे वंडरवाल फोर्स लगेंगे, या इसके सरफेस पे आएगा तो क्या हो जाएगा, वंडरवाल फोर्स लगेगा, ठीक है। अब जैसे ही
यहाँ पे लगेगा तो जिस कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो होता है इसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिस कारण से ये जो क्या होता है यानी कि जो वीक फोर्स के साथ जो है चिपके हुए रहते हैं। तो यहाँ पे अब एक एक करके आपको मैं पॉइंट समझाता हूँ क्या क्या कह रहा है। दिस एग्जाम्पल प्रूव दैट एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमेना। अब आपको समझ में आ गया क्यों सरफेस फिनोमेना का, क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है, हम लोग जो दीवार में पेंट कर रहे हैं कहाँ पे कर रहे हैं, ईंट के अंदर कर रहे हैं या ईंट के बाहर कर रहे हैं, बाहर यानी कि सरफेस पे कर रहे हैं, इसीलिए जो फिनोमेना है उसको हम लोग क्या कह देते हैं यानी कि जो है सरफेस फिनोमेना कह देते हैं। ओके, इट कॉन्ट्रास्ट टू एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन इन बल्क फिनोमेना। जो एब्जॉर्प्शन फिनोमेना होता है ना वो बल्क फिनोमेना होता है, या इसको कह दो कि अंदर में जो है एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं यानी कि एब्जॉर्प्शन फिनोमेना कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी की बात को आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, जैसे कोई अच्छा बात बताता है तो हम लोग क्या करते हैं उसकी बात को क्या कर लेते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। तो एब्जॉर्बेट क्या होता है, एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या होते हैं दूसरे पे चिपक जाते हैं, किस पे जो चिपकते हैं यानी कि एडजॉर्बेंट पे चिपकते हैं उसको हम लोग कह देते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है देखिएगा, एडजॉर्बेंट इज द मटेरियल ऑन विच एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, यानी कि वो मटेरियल होता है एडजॉर्बेंट जिस पे जो है चिपकता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं एडजॉर्प्शन कह देते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, एडजॉर्ब सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एडजॉर्ब। जो चीज दूसरे पे चिपकती है या जो एब्जॉर्ब्ड होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं एब्जॉर्ब्ड कह देते हैं यानी कि एडजॉर्ब कह देते हैं। ओके, अब यहां पे थर्ड पॉइंट देखिए, द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू फेजेस वेयर द कंसंट्रेशन एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स इन हाई इज नॉट एन इंटरफेस, यानी कि कुछ फेस होगा यानी कि एब्जॉर्बेंट का, कुछ फेस होगा यानी कि किसका एब्जॉर्बेंट का, तो इन दोनों के बीच के जो कहते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं इंटरफेस कह देते हैं। जैसे मान लो दो आदमी के बीच में लड़ाई होता है तो एक आता है इंटरफेस, जैसे मान लो आप लोगों के स्कूल में जो है लड़ाई हो गई, हो जाती है लड़कों लड़कों में हो जाती है, तो लड़के लड़कों में जो है लड़ाई होगी तो उनको सुलह करने के लिए कौन आते हैं, यानी कि आपके टीचर आते हैं, टीचर आपका क्या हो गया इंटरफेस हो गया, यानी कि दोनों को जो है क्या करते हैं या चिपकाता है यानी कि जो है आपस में जो है बॉन्ड बना देता है। वो जो बॉन्ड बनता है वो वीक बॉन्ड होता है, अभी इस बात को याद रख लीजिएगा। ओके, सेकंड थर्ड पॉइंट, इन एडजॉर्प्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इंटरफेस इज हाई देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। जो एडजॉर्प्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होते हैं एक क्या होते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन होते हैं। कहता है कि अगर जो सरफेस सॉरी इफ एडजॉर्प्शन कंसंट्रेशन जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा सरफेस पे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे यानी कि पॉजिटिव, और अगर जो कंसंट्रेशन एडजॉर्प्शन का कम हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे निगेटिव। आगे हम अलग से हमारे पास एक वो टेबल है वहां पे इसके बारे में बात करेंगे। हमने आपको कहा था डिश ऑप्शन क्या होता है, जब आप अपने मुंह से सफेदी यानी कि जो है पाउडर निकालते हो तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं डिश ऑप्शन प्रोसेस कह देते हैं। यही कहता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डिश ऑप्शन, यानी कि सरफेस पे से जो आपका मॉलिक्यूल चिपका हुआ है या जो एडजॉर्बेट है उसको निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं डिश ऑप्शन कह देते हैं। इसी तरह से एक और आएगा सॉर्प्शन प्रोसेस, SORPTI। सॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है एडजॉर्प्शन भी होता है एंड एब्जॉर्प्शन भी होता है। सर कितना जो है छोटे छोटे वर्ड के लिए यूज करें, अब एक बार जो है ना अपने घर पे जाना अच्छे से नोट्स बनाना और रिवाइज करके आना, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो आपसे पूछ देगा एग्जाम में कौन एडजॉर्प्शन है कौन एब्जॉर्प्शन है, किस फिनोमेना को एडजॉर्प्शन कहते हैं किस फिनोमेना को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में आपको देखने के लिए मिलेंगे। कहते हैं द गैसियस मॉलिक्यूल्स लाइक हीलियम नियॉन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड NH3 and solution of NaCl KCl can be adsorb suitable adsorbents, यानी कि ये सभी के सभी NaCl KCl का जो solution है ये क्या करते हैं यानी कि better absorbent होते हैं, यानी कि जो surface पे चिपकाते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं adsorbent कह देते हैं, और जो referred करता है यानी कि जो जैसे कुछ gases होते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं adsorbent कह देते हैं, जैसे helium neon अलग अलग जगह पे अलग अलग gases जो है चिपकते हैं। जैसे सिलिका जेल एंड मेटल लाइक निकेल,
जो सिलिका जेल है एंड मेटल लाइक निकेल कॉपर प्लेटिनम एजी प्लेटिनम एंड सर्टेन कोलाइड कैन एक्ट एज एब्जॉर्बेंट। ये सभी के सभी क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंट, यानी कि दूसरे चीज को अपने अंदर जो है चिपका लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एब्जॉर्बेंट कह देते हैं। जो चिपकेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो है एब्जॉर्बेंट कह देंगे। ठीक है, यहां तक अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब यही लिखा हुआ है, एब्जॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, एंड डिश ऑप्शन अभी जस्ट मैंने बताया, रिमूवल ऑफ जो है एडजॉर्बेंट इज नोन एज डिश ऑप्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए एडजॉर्बेंट में क्या होता है कि सरफेस पे जो चिपक रहा है उसको एडजॉर्बेंट कह देंगे, अगर गैस चिपकता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑकुलेजन। अभी नाम में भी बड़ा जो है आप लोगों को दिक्कत आएगा, लेकिन एक दो बार आप देखोगे तो चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये सारे टर्म जो है यानी कि आपको मैंने जो है एक एक करके बताते चले जाता हूँ। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे बताइए, एडजॉर्बेंट जो है ना वो मल्टी लेयर हो सकता है। मल्टी लेयर का मतलब है एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर पे चिपक सकता है, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देंगे, एडजॉर्प्शन कह देंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो सॉलिड है इसको हम लोग क्या कह देंगे, एडजॉर्बेंट कह देंगे, और जो ये जो ऊपर में चिपका हुआ है इसको हम लोग क्या कह देंगे, एडजॉर्बेंट कह देंगे। ठीक है, अब इतना सा इसके लिए कौन सी टर्म यूज होती है, सॉरी सर गैस इसके लिए कौन सी टर्म, ऑक्लूजन यूज होता है, यहाँ पे है लिखा हुआ, चिंता मत कीजिए, सारे वर्ड लिख के लाए हैं यहाँ पे देखिए, ऑक्लूजन। ठीक है, अभी जस्ट बताएंगे। ओके, अब यहाँ पे डिश ऑप्शन क्या होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा था, ऑक्लूजन क्या होता है, जब गैस पार्टिकल सॉलिड सरफेस पे जुड़ता है तो उसको ऑक्लूजन भी कहा जाता है। डिश ऑप्शन जो है आपसे पूछा जाएगा, डिश ऑप्शन का मतलब होता है एडिंग ऑफ सब्सटेंस या फिर रिमूवल ऑफ एब्जॉर्बेंट, इस टाइप से आपको तीन चार ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, आपको बताना है डिश ऑप्शन। देखो सॉप्शन का मतलब होता है किसी चीज का एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन दोनों होना, यानी कि एडी और एबी दोनों होना, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन फिनोमेना दोनों जब होता है उसको कहते हैं सॉर्प्शन, एस ओ आर पी टी आई ओ है। लेकिन उसमें अगर जो एब्जॉर्बेट को निकाल दोगे तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं, डिसॉर्प्शन, यानी कहता है द रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सर्फेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। अब कहोगे सर इसका कोई रियल एग्जाम्पल है क्या, हाँ मैंने जैसे कहा कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग जो क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमने क्रीम लगाया और जो है थोड़ी देर के बाद जो हम लोग क्या करते हैं उसको मुंह धो लेते हैं, तो जो क्रीम होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, डिश ऑप्शन कह देते हैं। तो अगर सर और कोई फिनोमिना है, हाँ अब मान लो कि कोई सरफेस पे आप खाना बना रहे हो उसको साबुन से धो दिए तो वो क्या हो गया, डिश ऑप्शन हो गया। आप लोग जो है जैसे कई बार देखते होंगे मम्मी पापा को बर्तन धोते हुए, खास करके आप लोगों ने मम्मी को देखा होगा, पापा तो जो है नहीं धोते होंगे, कभी काल धोते होंगे जब मम्मी घर पे नहीं रहती होगी। ठीक है, तो अब वहां पे क्या हो जाता है कि जब बर्तन के ऊपर जो, हाँ सही बता रहा हूँ, पापा लोग भी धोते हैं, ऐसा नहीं है कि पापा नहीं धोते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो पापा सब चीज काम करते हैं, इसीलिए तो पापा हीरो होते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जो आप जिस बर्तन में बना रहे हो उसके ऊपर चिपक गया, अब उसको हमने क्या करा कि किसी साबुन से जो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है रिमूव करा देते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं, डिसॉर्प्शन कह देते हैं। रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट इज नोन एज डिसॉर्प्शन फिनोमेना कह देते हैं। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, बर्तन का नहीं बनाऊंगा और पापा का, कोई बच्चा कह नहीं दीजिएगा कि सर पिछली बार जो कह दिया था कि सर बर्तन और पापा का बनाइए, पापा की बेइज्जती नहीं हो सकती। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमने जो है क्या कर दिया कि पार्टिकल्स को चिपका दिया, मुझे बताइए फिनोमिना कौन सा होगा, एडजॉर्प्शन डी वाला, तो ये फिनोमिना एडजॉर्प्शन है। अब मान लो अब सुंदर कुमार को, मैं फिगर नहीं बना रहा हूं, अब वापस से सुंदर जो है सुंदरी बन गई थी, अब सुंदरी को वापस सुंदर बनाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिश ऑप्शन करना पड़ेगा, यानी कि उसका जो पेंट जो है वो क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा नाटक वोटक में हम लोग क्या करते हैं,
लड़के लोगों को, आप लोगों के स्कूल में नहीं होता है, मेरे जब नवोदय में था तो कई लड़के को जो है क्या किया जाता था, एकदम जो है लड़की जैसा बना दिया जाता था, ड्रेस व्रेस सब चीज पहना दिया जाता था, जैसे कोई कोई भी नाटक होता था। तो वहां पे क्या होता था कि जब वो वापस आता था तो उसको क्या करना पड़ता था, यानी कि मुंह धोना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसने पाउडर लगाया था। तो पाउडर जो लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो रिमूवल ऑफ पाउडर नहीं कहेंगे, रिमूवल ऑफ एब्जॉर्बेंट को हम लोग अबेट को क्या कह देंगे, यानी कि डिसॉर्प्शन कह देंगे। अब यहां से जैसे ये रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देंगे, डिसॉर्प्शन कह देंगे। अगर जो ध्यान से देखिए तो हमने पांच टर्म अभी तक पढ़े, एक पढ़ा एडजॉर्प्शन, दूसरा पढ़ा एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में सरफेस पे चिपकता है इसीलिए इसको सरफेस फिनोमिना कहते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन दूसरे चीज को अपने अंदर, यानी कि स्पंज वाला, यानी कि इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बल्क फिनोमिना कह देते हैं। फिर मैंने बताया एडजॉर्बेट, जो चिपकता है उसको एडजॉर्बेट कहते हैं, जिस पे चिपकता है उसको एडजॉर्बेंट कहते हैं। और उसके बाद हमने बताया डिसॉर्प्शन, यानी कि रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज डिसॉर्प्शन कह देते हैं। अब देखो दिस कैन डन बाय हीटिंग और रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ सिस्टम, यानी कि ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि आप किसी चीज को जल्दी से रिमूव कराना चाहते हो तो हीट या प्रेशर का जो है अप्लाई करके इसको कर सकते हो। बेसिकली हमें तो यहाँ पे डिश ऑप्शन का मतलब समझना था, वो हम लोगों ने सीख लिया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये कोई एक क्या है, सरफेस है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो जो पार्टिकल्स है या जो मॉलिक्यूल्स है वो इसके अंदर चले गया, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देंगे, एब्जॉर्प्शन कह देंगे। ठीक है, इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देंगे, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना कह देंगे। कहोगे सर क्या एब्जॉर्प्शन रियल लाइफ में बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक दो बताइए, फिर मैं दो तीन बताऊंगा। आप सोचिए कहां पे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ, आप स्पंज को, हाँ बोलिए मनीषा, ऑप्शन सॉरी के एग्जांपल्स बता रहे हैं। नहीं, अभी हम सॉर्प्शन की बात नहीं कर रहे, हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। सॉर्प्शन की भी बताना आप लोग, लेकिन अभी आप बताइए जहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स या कोई सब्सटेंस अंदर चले जाता हो। पॉम्पलेस वाटर, ग्राम सोक्ड इन वाटर सॉरी रस, सर, ग्राम सोक्ड इन वाटर क्रैक्स ऑफ दी, सर, ग्राम्स चने, मतलब जब भिगाते हैं अच्छा वाटर ठीक है में। हाँ, यानी कि जो जो है चने के जो है हम लोग जो है ग्राम्स जो है उसको क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं तो उसके अंदर चले जाते हैं, वहां पे एब्जॉर्प्शन फिनोमिना आता है। उसको अलग से तो नाम दिया जाता है ऑस्मोसिस, क्योंकि वहां पे सेमी परमेबल थ्रू पास किया जाता है, इस फिनोमिना को ऑस्मोसिस भी कहा जाता है। ओके, हम आपको, हाँ बोलिए प्रवीण पीयूष, वहां पे एब्जॉर्प्शन होते हैं, एडसॉर्प्शन कहाँ पे? फिर बीन और उसमें ग्राम में जब उनको वाटर में डालते हैं। वहां पे कहो तो दोनों हो जाते हैं मिला जुला के, ज्यादातर जो होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं जिस कारण से उसका साइज जो है फूल जाता है, वो अलग प्रोसेस है, एक ऑस्मोसिस हो जाता है, लेकिन उसके अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स जाते हैं। तभी तो आप लोग देखिएगा, जब अगर जब आप सूखा ले लीजिएगा तो उसके अंदर पानी नहीं रहता है, लेकिन आप पानी डाल दो तभी तो फूलता है, वहां पे भी एब्जॉर्प्शन फिनोमिना होता है। दूसरा आपको बताता हूँ कि आप कपड़े को छोटे से नीचे में पानी जो है नीचे पानी रख दोगे तो वो क्या होगा, देखना पूरा कपड़ा भीग जाता है, भीगता है कि नहीं भीगता है? यस सर, उस यस फिनोमिना को हम सर, लोग क्या कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना कह देते हैं। दूसरा, आप लोगों ने दिया जलाया है दिवाली में, यस सर, दिया के ऊपर होता है क्या, वहां पे हम लोग जो तेल रखते हैं या नीचे रखते हैं? नीचे 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 जाता है वो, उस फिनोमिना को हम लोग किस कारण से जाता है, एब्जॉर्प्शन के कारण जाता है। या आप अलग अलग जगह पे जो भी चीजें देखते होंगे जहां पे हम लोग क्या करते हैं बाती का यूज करते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन फिनोमिना में क्या होता है, सरफेस पे नहीं चिपकता है, वो अंदर के पोर्स में वो जाके क्या हो जाता है, भर जाता है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना कह देते हैं। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है मुझे बता दीजिए। नो सर, ओके, नो अब हम सर, बात करते हैं सॉप्शन। सारे टर्म को याद रखना है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको आता है, ये टर्म को याद रखना कि किसके अंदर क्या है, क्योंकि सारे आपको कंफ्यूज करेंगे। हाँ बोलिए पीयूष। स्क्रीन में से रिवर्सिबल कौन सा है और कौन सा नहीं है? सॉरी, कौन सा रिवर्सिबल है? अच्छा,
आप मुझे बताइए कि जितने भी फिजिकल वाले होंगे सभी के सभी रिवर्सिबल हो जाए, अगर आपके नॉर्मल यानी कि केमिकल यानी कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन रहे हैं तो वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, यानी कि रिवर्सिबल होते हैं। आप स्पंज से जो है क्या कर सकते हो, वाटर को निकाल सकते हो, कपड़े से निकाल सकते हो, ये जो है क्या हो जाते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन हो जाता है। हाँ, लेकिन ये अगर केमिकल के द्वारा अंदर जाता तो फिर ये नहीं होता, ये डिपेंड करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ एब्जॉर्प्शन का, मान लीजिए। हाँ बोलिए। तो बीन और ग्राम होते हैं तो उसमें से तुम वाटर नहीं निकाल सकते बाहर, किसमें से अब वो बॉन्ड जो है वो क्या करते हैं, आप चाहो तो निकाल सकते हो, आप उसको धूप में रख दो तो वो धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और वो वापस से आपको ग्राम मिल जाएगा। तो अलग बात है कि इसका शेप साइज थोड़ा सा चेंज हो सकता है या कलर जो है चेंज हो सकता है, लेकिन आपको वैसे मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे मैं कहूँ एक केमिकल एग्जांपल के रूप में आपको मैं देना चाह रहा हूँ कि मान लो मैंने क्या करा कि अपने मेरे को चोट लग गई और मैंने मूव जो है लगाया वो स्प्रे वाला, वो क्या हो जाएगा, अंदर चले जाएगा। ऐसे तो दोनों होता है, लेकिन मैंने कहा कि अंदर चले गए, क्या उस अंदर में जो गए सबस्टांस को आप बाहर निकाल सकते हो क्या? No, sir. तो वहां पे आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अनुसार से कि कैसा लेना है। ओके, यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सॉर्प्शन प्रोसेस का। सॉर्प्शन प्रोसेस क्या होते हैं कि जिसके अंदर, यहां से याद रखिएगा, एस से क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली, यानी कि एडजॉर्प्शन भी हो एब्जॉर्प्शन भी हो, उस फिनोमिना को हम सॉर्प्शन कहते हैं। इससे पहले मैंने डिसॉर्प्शन बताया था, यानी कि रिमूवल ऑफ क्या बताया था, एडजॉर्बेट BATE, यानी कि जब आप रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट करोगे तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन कह देते हैं। सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जब आप एडजॉर्प्शन भी करा रहे हो एब्जॉर्प्शन भी करा रहे हो, इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि सॉर्प्शन फिनोमिना कह देते हैं। मैं आप लोगों को, जैसे मान लो किसी को चोट लग गया, जैसे घाव हो जाता है, वुंड्स हो जाता है, तो अब किसी के हाथ में चोट लग गया तो हम क्रीम ऊपर में लगाते हैं, कुछ क्रीम जो है वो अंदर भी चली जाती है, कुछ क्रीम क्या होती है ऊपर भी आ जाती है। तो यहाँ पे दोनों फिनोमिना हो रहा है, यानी कि सॉर्प्शन फिनोमिना, यानी कि जो है एडजॉर्प्शन फिनोमिना हो रहा है, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि सॉर्प्शन फिनोमिना कह देते हैं, ठीक है। डाइज आर एब्जॉर्ब एज वेल एज एब्जॉर्ब इन कॉटन फाइबर। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप कपड़े लगाते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाते हो, तो वहां पे देखिएगा कि वो अंदर तलक चले जाता है, अगर जो ऊपर तलक जाएगा तो कुछ दिन के बाद आप कपड़े धोगे तो यानी कि जो है क्या हो जाएगा, जो है वो निकल जाएगा, कलर जो है वाइट हो जाएगा या फेडेड कलर हो जाएगा। तो लेकिन वहां पे क्या किया जाता है कि सॉर्प्शन प्रोसेस कराया जाता है, बाहर से भी किया जाता है अंदर से भी किया जाता है, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, सॉर्प्शन फिनोमिना कह देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि होली का कलर हम जो है घोल रहे हैं, अब जैसे ही होली का कलर घोल रहे हैं तो वहां पे मुझे बताइए कि कौन सा फिनोमिना होगा, एडजॉर्प्शन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा? एडजॉर्प्शन। वहां पे एडजॉर्प्शन होगा, यानी कि सरफेस पे चिपकेगा। लेकिन मान लो कि आप कोई केमिकल है, आप उसको कर रहे तो क्या कर जाता है, पेनिट्रेट करके स्किन से जो है अंदर चले जाएगा, तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी एलर्जिक सब्सटेंस है, तो जैसे देखिएगा आपको क्या हो जाता है, फोड़े फुंसे हो जाते हैं। जैसे मान लो कि मेरे को कहा गया कि जो है ना एक्सपायर कोई साबुन लगा दो, वो धोने के लिए जो लगाते हैं, कोई भी एक साबुन ले लीजिए आप लोग जो भी यूज करते हैं, अब एक्सपायर होगा तो क्या करेगा, मेरे मुंह पे या जहां जहां लगाएंगे वहां पे इचिंग प्रॉब्लम करेगा। जब वो इचिंग प्रॉब्लम करेगा तो जिस कारण से वहां पे क्या हो जाता है कि वो क्या करता है कि कुछ पार्ट अंदर चले जाता है, उसी को सॉर्प्शन कह देते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे लगता है मूव का, जब आपको चोट लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, मूव लगाते हैं। मूव क्या करते हैं, बाहर से भी थोड़ा बहुत चिपकता है और कुछ अंदर भी चले जाता है, उसमें ऐसे कुछ केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं पर्टिकुलरली ब्रेन को आपको क्या कर देते हैं, इस प्रकार से जो है कहते हैं कि वो जो है दर्द नहीं हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखना चोट लगता है तो कॉम्बिप्लान खाते हैं,
तो वो क्या करता है कि आपके बॉडी सेंसिटिव को वो क्या कर देता है, अलग कर देता है, जिस कारण से आपको दर्द का फील नहीं होता है। उसी तरीके से उस पार्ट को मूव क्या कर देता है, यानी कि सेंसलेस कर देता है, जिस कारण से आपको लगता है कि दर्द ही नहीं है। यानी कि अब ऐसा मत कीजिएगा कि जो है बॉक्सर लोगों को जो है स्प्रे कर दीजिएगा, मुंह अब मारो उसको, कुछ दर्द नहीं होगा। वो अलग बात है, उस समय दर्द नहीं करेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स के बाद वो दर्द ही दर्द करेगा उसको, तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, जोक सफा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान सुनिए कि सॉर्प्शन में क्या होता है कि देखिए कुछ पार्टिकल बाहर भी है, कुछ पार्टिकल अंदर भी है। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्प्शन फिनोमेना कह देते हैं। जिसके सबसे एग्जांपल है, जब आपको चोट लग जाती है यानी कि घाव हो जाता है, तो हम लोग वहां पे क्या कहते हैं, क्रीम लगाते हैं, ऊपर के लिए भी लगाते हैं एंड इनर के लिए भी लगाते हैं। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, आप लोगों के लिए जो है सॉर्प्शन फिनोमेना कह देते हैं। ओके, अब आपसे कहा जाएगा कि एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है। आपसे पूछा जाएगा एडजॉर्प्शन में क्या हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है डिफरेंस। तो आप सभी को मैंने बताया कि जो एडजॉर्प्शन फिनोमिना होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है, ठीक है, और ये जो फिनोमिना होता है वो कैसा होता है, बल्क में होता है। कहता है इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट इन्वॉल्व अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज। आप सरफेस पे जाओगे, जैसे मैंने कहा कलर को बकेट में डालोगे कलर वाले हाथ में, तो देखिएगा। अच्छा, एक और देखिएगा, इससे बात से याद है, आप लोगों ने देखा होगा किसी व्यक्ति को कि जो है हेयर डाई करता है, हेयर डाई करते देखा है। Yes, वो भी सरफेस फिनोमिना है, ऊपर ऊपर जो है डाई हो जाता है, भीतर नहीं होता है। वहां देखिएगा किसी का पर्टिकुलर जगह पे हम लोग जैसे इस वाले पार्ट में ज्यादा कलर कर देते हैं, लेकिन इधर वाले या इस जगह पे हम लोगों का व्हाइट ही रह जाता है। तो वहां पे क्या हो जाता है कि सही से जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, लेकिन जब एब्जॉर्प्शन होता है तो वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि पूरा हर जगह जो है सेम जाता है। दूसरा पॉइंट सरफेस फिनोमिना होता है, जबकि ये कैसा होता है, यानी कि बॉडी के अंदर जाता है। ये बिगिनिंग में बहुत ही फास्ट होता है, एडजॉर्प्शन फिनोमिना जो होता है तुरंत फटाफट से जो है क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो क्या करेगा, यानी कि जो है स्लो हो जाएगा। आगे हम ग्राफ भी बताएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि एकदम बिल्कुल कॉन्स्टेंट होता है, आप कपड़े को पानी में डाल दोगे तो तुरंत ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर चलेगा, धीरे 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 बढ़ता है, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पे होता है। फोर्थ पॉइंट आप कह सकते हो, ये जो प्रोसेस होता है इंडो एडजॉर्प्शन वाला इंडोथर्मिक होता है। और जबकि ये कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। हाँ बोलिए प्लग, बोलिए प्लग सर। फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना फिर से। यहाँ पे जो ना इंडोथर्मिक का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या होता है, एडजॉर्प्शन है। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि जो पार्टिकल्स है ये मस्त मौला है, मस्त इसकी एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी, तभी तो जरूर घूम रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद इसके साथ क्या बना लिया, एक वीक फोर्स बना लिया, यानी कि वंडरवॉल फोर्स के साथ जुड़ गया, और ये स्टेबल हो गया। जब किसी के साथ आप बॉन्ड बनाते हो तो क्या हो जाते हो, स्टेबल हो जाते हो। जब ये स्टेबल होगा तो पहले इसकी एनर्जी ज्यादा थी, तो ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिस कारण से ये कैसा हो जाता है, बता दिए क्या, उल्टा लिख देखिए, एब्जॉर्प्शन एंडोथर्मिक, डीडी में जो है आता था, ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे ही इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यहाँ पे सरफेस में ये पार्टिकल्स जुड़ गया। और जब ये पार्टिकल्स जो है ना, क्योंकि जब आप मान लो कि सरफेस पे ये आसानी से ज्यादा मात्रा में जुड़ना नहीं चाहता, या तो आप इस पे प्रेशर अप्लाई कर दो या टेम्परेचर अप्लाई कर दो, जिस कारण से ये क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते जुड़ जाते। तो बाहर से आपने क्या करा, एनर्जी दी, तो जब देते हैं तो यानी कि कैसा हो जाता है, इंडोथर्मिक हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ज्यादा मात्रा में शुरू में तो होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा ताकि कि ज्यादा हो जाए। लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि जब बाहर से मॉलिक्यूल्स आता है, यहाँ पे चिपकता है, तो अंदर में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जनरेट कर जाता है, जिस कारण से ये क्या हो जाता है कि इसकी एनर्जी कम हो जाती है। पहले से, पहले ज्यादा एनर्जी थी, अब एनर्जी कम हो गई, जो बची एनर्जी उसको रिलीज कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सोथर्मिक कह देते हैं। इसका एक डायग्राम देख लीजिए कैसा होता है ये एडजॉर्प्शन। ओहो,
ऐसा बन रहा है डायग्राम। आप लोग मुझे बताइए कि जो छोटे छोटे सर्कल है इसको क्या कहेंगे? हमने कहा था ए जो होता है छोटा गोल गोल है, ए को ऐसे मान लो, यानी कि जो है क्या है छोटा छोटा सर्कल, याद रखने के लिए कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे एडजॉर्बेट हो गया। अब यहाँ पे ये जो सरफेस है इसको हम लोग क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट कहेंगे, ठीक है? ओके, एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि यहाँ पे सरफेस के अंदर ही चले जाता है, और जब ये सरफेस के अंदर चले जाएगा तो ये सरफेस क्या हो जाएगा? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट हो जाएगा, और ये जो अंदर चले गया इसको हम लोग क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट, ठीक है? ओके, यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा सा चीजें जो है। हाँ मनीषा बोलिए। तो आपने एडजॉर्बेंट सर एब्जॉर्ब डी डी लिख दिया तो सही, किसमें सेम लिख दिया? एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्ब में एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या गलत लिखा है? यस सर। क्या गलत लिखा है? एक साइड एब्जॉर्बेड आएगा सर, बी आना था वहां पे बी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना यस सर, हम यहाँ पे वो वाली बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे इस जो है प्रोसेस को लिख रहे हैं। ये अलग बात है कि ये प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है? एडजॉर्बेंट इस सरफेस यानी कि जिस पे चिपक रहा था उसको हम लोग एडजॉर्बेंट कहते हैं, लेकिन भले ही यहाँ नहीं चिपका लेकिन सरफेस तो है, इसी को एडजॉर्बेंट कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर चले जाएंगे, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कह देंगे? एडजॉर्प्शन। हाँ एडजॉर्प्शन। ओके चलिए, ये तक आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा जो है सीखना है। आपको मैं एक और चीज बताता हूं थोड़ा सा, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, क्योंकि मैंने उस समय कहा था कि आपको आगे बताऊंगा, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि अगर मान लेते हैं कि एक, मैं यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है क्या कर लिया, एक जो है ग्लास ले लिया, इस ग्लास में मैंने इंक डाल दिया, रेड कलर का इंक डाल दिया, और यहाँ पे आप लोग अपने स्कूल से जो है चौक लेके आए और चौक को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? ये जो है चौक है। ओके, अब ये जैसे ही मैंने इंक डाला तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि when concentration of adsorbate, adsorbate का मतलब क्या होता है? जो आपने सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है या बेसिकली जो चिपकेंगे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, यानी कि अगर एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया फ्रॉम किससे? एडजॉर्बेंट से। एक एग्जांपल के साथ समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। तो इस फिनोमिना को पॉजिटिव हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कह देते हैं, कंसंट्रेशन। तो इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ओके सर, ये क्या हुआ? अब हुआ यूं कि जैसे मान लो कि आपको मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाने का प्रयास करता हूं, मैंने बकेट में कलर को रखा, कलर में मैंने अपना हाथ डाला, तो वहां पे जो कंसंट्रेशन है वो एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर यानी कि जो घुलने वाला या चिपकने वाला पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। और अगर जो सरफेस पे चिपक जाए और बाहर में कम हो, कई बार होता है ना, जैसे मान लो आपका रंगा हुआ हाथ पानी में डालोगे तो इस बार आपका कहां से जाएगा? एडजॉर्बेंट से। अगर जब वो क्या होगा, पानी में जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? यानी कि नेगेटिव कह देते हैं। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा क्या होता है एडजॉर्बेट। नेगेटिव से रिपीट कर दो। आया या नहीं आया बताइए।
सर नेगेटिव रिपीट कर दो फिर आ गया सर। ओके फिर से मैं बता देता हूं, नेगेटिव एडजप्शन। मैंने कहा कि एक बार मैंने कलर में बहुत ज्यादा गाढ़ा कलर है, जैसे होली में जो है अपने जो है जो सबसे ज्यादा जो है दुश्मन होता है उसको रंगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कलर देते हैं जो कि छूटे ना छूटे, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पाउच की जगह पे चार पांच पाउच डाल देते हैं, डालते हैं कि नहीं डालते। अब जैसे ही चार पांच पाउच डाल दिए तो अगर आप हाथ डालोगे तो उसके अंदर क्या होगा कि बाहर में यानी कि जो सॉल्यूशन बना हुआ है वहां पे एब्जॉर्बेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और एडजॉर्बेंट एब्जॉर्बेंट यानी कि जो मेरे हाथ पे चिपकेगा वो कम होगा, तो यानी कि इसको हमने पॉजिटिव कर दिया। अब वही हाथ को मैंने क्या करा कि जो है ना किसी साफ पानी में लेके गया, अब मेरे हाथ का कंसंट्रेशन ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द यानी कि एब्जॉर्बेंट से, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, नेगेटिव एडजॉर्प्शन कह देंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि लास्ट में हम लोग जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं क्योंकि ऑक्लूजन आपको बताना जरूरी था। अब देखो एडजॉर्प्शन जो फिनोमिना है ना वो किसी में भी हो सकता है, गैस सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड लिक्विड सॉलिड सॉलिड गैस लिक्विड, यानी कि किसी भी सरफेस पे हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो है नहीं हो सकता। अब एक बच्चा मुझसे पूछा कि सर लिक्विड सॉलिड मुझे पता है, लिक्विड लिक्विड मुझे पता है, सॉलिड सॉलिड भी पता है। ओके सर सॉलिड सॉलिड कौन सा है, जैसे अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे सॉलिड सॉलिड मान लो कि आप लोग जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो वहां पे भी एडजॉर्प्शन फिनोमेना होता है, सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं यानी कि पार्टिकल्स को चिपकाते हैं। गैस लिक्विड में यानी कि जो है गैस के अंदर आप लोग लिक्विड जो है यूज करते हो कई बार, जैसे एटमोसफेयर में जो होता है गैस में क्या होता है लिक्विड चिपक जाता है। एक बच्चा मुझसे पूछता है सर मुझे बताओ गैस और सॉलिड में कौन सा अंतर, तो इसके भी कई सारे हैं, जैसे कि बादल में डस्ट के पार्टिकल या गैस में जो है डस्ट के पार्टिकल चिपक जाना ये भी कैसा है यानी कि जो है एडजॉर्प्शन फिनोमेना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के तीन कॉन्सेप्ट है, डेल्टा जी अगर निगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। कहोगे सर स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो रिएक्शन हाँ खुद से हो, जैसे झरने का पानी ऊपर से नीचे गिरता है वो खुद ही गिरता है यानी कि स्पॉन्टेनियस है, वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना खुद ही हो जाता है यानी कि स्पॉन्टेनियस, यानी कि जो नेचर में होते हैं अगर जो खुद से हो रहे हैं बाहर से आप उसको फोर्स नहीं दे रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्पॉन्टेनियस। अगर जो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम केस कहते हैं, और अगर जो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए उसको हम लोग कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ओके। और यहाँ पे एक और वर्ड है डेल्टा एस यानी कि इंट्रोपी कहते हैं, अगर ये इंट्रोपी पॉजिटिव होती है यानी कि स्पॉन्टेनियस होता है जो कि आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताया जाता है, खैर हम वहां पे उतनी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट व्यू से, लेकिन इतना से याद रखना कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस, क्योंकि सर ये डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मतलब होता है कि कौन कितना ज्यादा इधर उधर घूम सकता है। जैसे मैं कहूँ सॉलिड में सारे पार्टिकल फिक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे वाइब्रेट करेंगे अगल बगल या ऊपर नीचे यही कर सकते हैं, लेकिन गैस के पार्टिकल क्या होंगे पूरे इधर उधर हो रहे होंगे। क्योंकि सर हमें इसमें नहीं समझना है, एक रियल एग्जाम्पल के साथ समझा, जैसे आप सभी क्लास में आपके टीचर पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में और आप लोग क्या करते हो एकदम बिल्कुल बहुत ही शांति से बैठते हो, रैंडमनेस क्या होती है कम होती है, लेकिन वही आपको फील्ड पे दे दिया जाए तो आप इस समय यहाँ पे हो तो दूसरे टाइम जो कहाँ हो जाते हो यानी कि वहां हो जाते हो, इसी चीज को कहते हैं यानी कि जो है डिग्री ऑफ रैंडमनेस यानी कि एंट्रोपी, ठीक है। अब वही कहता है इट एडजॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक, एडजॉर्प्शन जो फिनोमेना होता है वो कैसा हो जाता है एक्सोथर्मिक हो जाता है, और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि सॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है यानी कि एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों होता है, ऑक्लूजन में क्या हो जाता है यानी कि जो है क्या हो जाता है आपका जो है यहाँ पे जो फिनोमेना होता है यानी कि जिसमें गैस मेटल के सरफेस पे चिपकता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं ऑक्लूजन कह देते हैं। सी यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक्सोथर्मिक उल्टा होगा, यहाँ पे एक्सोथर्मिक होगा, पहले सही था एक्सोथर्मिक और ये होगा इंडोथर्मिक,
ठीक है, तो ये जो है पूरा जो है आपका प्रोसेस है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, अगर जब किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ पलक पूछिए।